हेलो बच्चों। तो बेटा हम आरडी शर्मा की कंटिन्यूसली एक्सरसाइज डाल रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.8 को डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, 11.8 यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में था। जैसे यहां पर अगर वेरिएबल एक्स है तो या तो एक्स के रेस्पेक्ट में है या फिर किसी वेरिएबल वाई के रेस्पेक्ट में है। किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। और आज हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं है, अब किसके रेस्पेक्ट में है, फंक्शन के ही रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन, ये टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, आपको दे रखा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मतलब हमें एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो ये एक अलग फंक्शन है और ये क्या है, हमारा एक अलग फंक्शन है। इस फंक्शन को सपोज कर लो कि ये यू है और इस फंक्शन को सपोज कर लो कि ये क्या है बेटा, हमारा वी है। ठीक है, हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एक मैंने ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा बेटा कि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप पहले फंक्शन को यू मान लीजिए और दूसरे फंक्शन को क्या मान लोगे, वी मान लीजिए। अब बेटा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं क्योंकि यहां पर हमारे पास वेरिएबल एक्स है, तो du dx कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही यहां पर वेरिएबल है एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, सेकेंड हो गई। अब आपको इस u को करना क्या था, इसको आपने u माना है ना, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आपने v माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि u को v के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ये जो u है इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, v के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है du dv, ये बेटा आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब आप यहां du dv कैसे निकालोगे, तो आप लिखिए du dx अपॉन dv dx, du dx अपॉन db dx। du dx की वैल्यू देखो आप, 2x है, और db dx की वैल्यू कितनी बेटा, 3x स्क्वायर। x x कट जाएगा तो आपके पास कितना आ गया, 2 अपॉन 3x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन आप कैसे निकालेंगे कि पहले फंक्शन को आपने यू मान लिया, कोई नया वेरिएबल मैंने यू मान लिया, और इसको आपने क्या मान लिया, वी मान लिया। इसको बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दिया और इसका भी हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। अब आपको निकालना है du dv, तो कैसे निकालोगे, du dx अपॉन db dx। तो du dx की वैल्यू कितनी है, 2x, db dx की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। अब पूरे को सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 2 अपॉन 3x। क्लियर हो गया बच्चों। तो जो फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन है उसका हम ये प्रोसीजर यहां पर बेटा लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों,
इसको आप सपोज कर लो बेटा u, u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, ठीक है, u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। अब इस टाइप के डेरिवेटिव हमने आपको करना सिखाए हैं, है ना, और अभी करके दिखाएंगे। यहां पर देखो बेटा, और v इज इक्वल टू कितना मान लिया हम लोग, log x, मतलब एक फंक्शन को आपने u मान लिया और दूसरे फंक्शन को क्या मान लिया, v मान लिया। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव जनरल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया बेटा। देखो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन हमारे पास दे रखा होता है तो आप क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड का। क्या करते हो बेटा, लॉग लेते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स टू द पावर एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू, ये बेटा देखो लॉग, ये पूरा एम माना जाएगा, एम टू द पावर एन, एम टू द पावर एन है तो एन आ गया जाता है। देखो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ये प्रॉपर्टी आप यहां पर लगाएंगे तो ये जो एक्स होगा ये आ गया जाएगा और क्या बचेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हमारे पास, सेकंड फंक्शन है। तो डेरिवेटिव जब हम करेंगे बेटा, तो लॉग यू का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन यू डी यू डी एक्स, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो यहां पर आप चेन रूल लगाएंगे, वन अपॉन लॉग एक्स, लॉग इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया तो वन अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, एक्स एक्स यहां पर कैंसिल हो गया, तो डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां देखो बच्चों यू का इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ log x, यहां बेटा u की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, log x टू दी पावर x, तो du dx मेरे पास आ जाएगा log x टू दी पावर x वन अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये बन के आ गया मेरे पास du dx। अब सिमिलर वे से बेटा अब आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू जो log x दे रखा है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिएगा, तो v इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू दे रखा है log x, इसका डेरिवेटिव निकालोगे dv dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन x आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब ये फंक्शन आपने क्या सपोज किया था u, और ये फंक्शन आपने क्या सपोज किया है d, मतलब u को b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या निकालना है, du dv निकालना है, ये फाइंड आउट करना है du dv, तो du dv कैसे निकालोगे, du dx अपॉन dv dx। अब यहां पर du dx की वैल्यू क्या है बेटा, ये पूरी वैल्यू du dx की है, log x टू दी पावर x ब्रैकेट वन अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, log ऑफ log x, और बेटा अपॉन में dv dx, dv dx कितना है, वन अपॉन x, तो इस पूरे के अपॉन किया जाएगा वन अपॉन x, ये पूरा कितना आ जाएगा, वन अपॉन x। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां देखो ये x हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आप इसे राइट कर सकते हैं डी यू डी वी इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स टू दी पावर x वन अपॉन लॉग x प्लस log ऑफ log x। तो यहां तक बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपका ये बेटा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे बताता हूं मैं। अब देखो बेटा इसे और सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, डी यू
डीवी इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और यहां पर आप ले लिए एलसीएम, ये इसके अपन आप वन मान लीजिएगा, तो बेटा एलसीएम लेंगे लॉग एक्स और वन का एलसीएम कितना आ जाएगा लॉग एक्स, तो ये मेरे पास हो गया यहां पर ये लॉग एक्स की पावर एक्स है ना, ये लॉग एक्स की पावर एक्स था, ये आ जाएगा लॉग एक्स मेरा एलसीएम आ गया, तो लॉग एक्स के इसको डिवाइड करोगे तो वन टाइम्स वन का ऊपर मल्टीप्लाई, और वन से लॉग एक्स को डिवाइड करोगे तो लॉग एक्स ही आएगा, और उस लॉग एक्स का मल्टीप्लाई आप यहां कर लोगे, तो लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, तो ये पूरा एक फैक्टर बन गया, तो आप इसे लिख सकते हैं डी यू डी वी इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स अपॉन में कितना है लॉग एक्स, और फिर कितना है वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो यहां आप देखेंगे इसकी पावर वन है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो डी यू डी वी जो होगा वो एक्स लॉग एक्स की होल पावर, बेटा ये देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप एक्स माइनस वन, कितनी पावर माइनस होगी वन पावर माइनस होगी ऊपर जाती है, और ये कितना रह गया वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये क्या होगा आपका, ये इसका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा बेटा, तो आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां पर इसके दो पार्ट और दे रखे हैं कि डिफरेंशिएट हमें कब करना है, कि जब एक्स मेरा 0 से 1 में दे रखा है और जब एक्स मेरा माइनस 1 से 0 में दे रखा है, तब आपको क्या करना है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो, पहले तो आप इस फंक्शन को सपोज कर लो कि ये u है, u इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v इज इक्वल टू मेरे पास ये दे रखा है v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटा यहां ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्म दिख रही होगी आपको, ये फॉर्म कौन सी दिख रही है, देखो इसको अगर मैं यहां पर 1 मान लू तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब लगभग ये वाली फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिखेगी, क्योंकि यहाँ ए के प्लेस पर हमारा वन है और एक्स के प्लेस पर तो एक्स है ही है, तो यहां हम क्या करते थे, आपको पीछे वाली वीडियोज में यहां पर बताया था मैंने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इनमें से कोई एक वैल्यू को क्या करते थे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे, और वो हम देख लेते थे कि क्वेश्चन हमारा किससे इजीली सॉल्व हो रहा है, उस वैल्यू को हम इन दोनों में से चूज करते थे। तो मैंने बेटा यहां पर क्या पुट किया, कॉस थीटा पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू ए के प्लेस पर तो वन है तो वन को तो लिखेंगे नहीं हम लोग, केवल क्या पुट कर दिया कॉस थीटा यहां पर पुट कर दिया, है ना, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब जब कॉस थीटा मैंने पुट किया, कॉस थीटा पुट करने का बेनिफिट क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसकी इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा, मतलब हम से सॉल्व करेंगे तो साइन की फॉर्म में मेरे पास आंसर आएगा, मतलब और यहां पर भी आगे जो लगा हुआ है वो भी क्या लगा हुआ है साइन इनवर्स ही लगा हुआ है, तो हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहां पर क्या पुट किया बेटा कॉस थीटा पुट किया है ना। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू मेरे पास बन के आ जाएगी। अब यहां एक और बात देखेंगे आप लोग कि जब रेस्ट्रिक्शन आपको गिविन है, जब रेस्ट्रिक्शन आपको गिविन है तो बेटा यहां से जब स्क्वायर को आप एलिमिनेट करेंगे तो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, u इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स मॉड साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया हुआ था साइन इनवर्स मॉड साइन थीटा। अब आप देखिए बेटा, अब ये मॉड के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो यहां देखो x इज इक्वल टू क्या माना था आपने कॉस थीटा, तो मैं पहले केस को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, केस फर्स्ट,
x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, जीरो से वन में लाई कर रही है, x lies between 0 to 1, और x is equal to आपने माना क्या है बेटा, cos theta, तो यहां पर cos theta हमारा कहां से कहां तक है, 0 से 1 में है बेटा, ऐसे इंटरवल दे रखा हो ना, ऐसे इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये 0 से 1 में है ना, और यहां पर क्या मतलब होगा, x मेरा माइनस 1 से 0 में है, ओपन इंटरवल है ये, तो ओपन इंटरवल को याद रखेंगे कि यहां पर बस ये आप साइन यूज करेंगे, ठीक। अब बेटा जब मेरा x 0 से 1 में है और x की वैल्यू आपने cos थीटा माना है, तो यहां पर आपने cos थीटा लगा दिया, अब आपको पता है कि cos में 0 जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 की होती है, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है बेटा। अब मैं यहां से जब थीटा निकालूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, कॉस के केस में इनइक्वालिटी क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी ये क्या बन के आ जाएगा, पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 0, यानी थीटा मेरा किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, यानी आप इसे ये लिख सकते हैं कि थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा क्या करेगा, लाई करेगा। अब यहां से आप देखेंगे बेटा, थीटा हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट रहा, 0 से पाई बाई 2 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सभी रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर मॉड हट जाएगा आपका, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बेटा यहां से अब आप क्या करेंगे कि हमें ये साइन इनवर्स और साइन यहां से इसको एलिमिनेट करना है, तो देखना पड़ेगा कि ये थीटा अपने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं, पीछे जो दे रखा है ये अपने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं, तो साइन के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो क्या था, साइन के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, साइन थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जहां पर कि ये 1 1 2 बना था हमारा, ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा साइन थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये होता है, ठीक है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस 1 से प्लस 1, लेकिन साइन थीटा का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो यहां पर मुझे ये थीटा चेक करना था कि ये थीटा साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं, तो थीटा देख रहे हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये इनवर्स हमारा इजीली एग्जिस्ट करेगा, भाई इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में साइन कैसा होता है, 1 1 ऑन 2 बन जाता था ना, तो यहां पर यू इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, ये साइन थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है और साइन थीटा की रेंज मेरे पास मुझे पता है कि माइनस 1 से प्लस 1, तो साइन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये ले लें साइन थीटा का और रेंज ये ले लें, तो यहां पर ये मेरा फंक्शन जो होगा साइन थीटा ये 1 1 2 हो जाएगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो इस डोमेन को हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं बेटा, तो यहां पर ये थीटा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है ना, तो इसका मतलब है कि साइन का इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि आगे दे रखा है साइन इनवर्स, और किसी फंक्शन को उसके इनवर्स से कंपोज अगर हम करा दें, कोई भी फंक्शन है अगर उसके इनवर्स से आप कंपोज कराते हैं, ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, अगर उसके इनवर्स से कंपोज कराते हैं बेटा तो किसकी इक्वल आ जाता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आ जाता है, किसकी इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आ जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन को यहां पर एक्स वैल्यू दे रहे हैं तो ये एक्स पे ही मैप हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आप दे देंगे वही जाके मैप हो जाएगा, तो वैसे ही यहां एफ आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होगा,
तो यहां पर आप देख रहे हैं एफ इनवर्स के प्लेस पर साइन इनवर्स है, एक सिंबल है बस, और एफ के प्लेस पर मेरा क्या है साइन है, तो क्योंकि ये साइन 1/1/2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब अब जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन हमारा यहां से हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहां पर बस थीटा मिल जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा वो आप यहां से निकालोगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है थीटा की वैल्यू है, और ये थीटा की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो डी यू डी एक्स ये वैल्यू किसकी कौन होगी माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की, ये हमारे पास क्या आ गया डी यू डी एक्स आ गया, ये क्या आ गया बेटा डी यू डी एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा अभी डीवी डी एक्स निकालना होगा, आपने वी ये मान रखा है ना डीवी डी एक्स निकालना होगा, तब फिर हम क्या निकालेंगे डी यू डी वी निकालेंगे, आपको फाइनली इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब आपको ये निकालना है डी यू डी वी निकालना है, और डी यू डी वी निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे आप डी यू डी एक्स अपॉन डी वी डी एक्स से। तो यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे बेटा कि डी यू डी एक्स तो मेरे पास आ गया, वो कहां है ये रहा, अब आपको क्या चाहिए डी वी डी एक्स और चाहिए, ठीक है तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, अब यहां देखिए बेटा तो डी यू डी एक्स हमारा ये आ गया और डीवी डी एक्स हम यहां से निकालेंगे यहां से बेटा, तो डीवी डी एक्स ये कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये डीवी डी एक्स हो गया और डी यू डी एक्स आपके पास ये है। अब आपको निकालना क्या है देन डी यू डी वी इज इक्वल टू बेटा ये वैल्यू देखो डी यू डी एक्स अपॉन डी वी डी एक्स है ना डी यू डी एक्स अपॉन डी वी डी एक्स, डी यू डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वी डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर भी वही है और डिनोमिनेटर भी वही है तो ये कैंसिल हो गया, तो डी यू डी वी ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी वन के इक्वल आ जाएगी, ये वन तब आएगा जब हमारा एक्स कहां पर लाई कर रहा है जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर एक्स हमारा माइनस वन से जीरो के बीच में लाई कर रहा है तब क्या होगा, तो चलो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, कि जब एक्स हमारा यहां लाई करेगा तब डीवी डी यू डी वी कितना आएगा, अभी डी यू डी वी मेरे पास कितना आया वन आया, ये वन तब आया है जब एक्स हमारा जीरो और वन के बीच में आया, ठीक है तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते बेटा इसके सेकंड पार्ट पर, ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, अब सेकंड वाले पार्ट में देखिएगा वही यू इज इक्वल टू आपने किसको माना है, ये यू माना है साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी आपको बताया था कि ये कौन सी फॉर्म है बेटा ये वाली फॉर्म है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लगाना होता है या तो ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं जो सूटेबल होता है, तो यहाँ ए के प्लेस पर वन है, मैंने यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या लगा लिया साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्यों लगाया क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, मतलब वो साइन में चेंज तो भी हो जाएगा, तो देखिए बेटा ये यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों यहां से इस रूट से इस स्क्वायर को हम यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी मॉड के अंदर आ जाएगी मॉड साइन थीटा आ जाएगी। अच्छा ये मॉड में क्यों लिया, जब रेस्ट्रिक्शन दे रखी हो ना कोई एक्स के ऊपर जो थीटा के ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है
है ना, जैसे यहां पर देख रहे हो कि x बिलोंग्स टू ये है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो थीटा के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन बन जाएगी। तो जब रेस्ट्रिक्शन दे रखी है बेटा कोई, तो ये स्क्वायर रूट से, इस स्क्वायर से अगर इस रूट को खत्म कर रहे हो तो मॉड लगाना जरूरी होता है, और जब रेस्ट्रिक्शन ना हो तो डायरेक्टली आप इस रूट से इस स्क्वायर को हटा सकते हो, फिर मॉड नहीं लगाएंगे जब आपके पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो अभी रेस्ट्रिक्शन है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा, इन रेस्ट्रिक्शन की हेल्प से हम मॉड को हटाएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, जो इसका अगला ये जो पार्ट था इसमें बताया है मैंने। अब बेटा देखिए, अब आप क्या करेंगे, x मेरा कहां से कहां तक है, माइनस वन से जीरो के बीच में है, और x की वैल्यू आपने सपोज क्या कर रखी थी, cos थीटा, यानी cos थीटा कहां से कहां तक हो गया, माइनस वन से जीरो के बीच में हो गया। अब cos में माइनस वन जो होती है वैल्यू, वो cos पाई की होती है, और जीरो जो होती है वैल्यू, वो किसकी होती है, पाई बाई टू की होती है। cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, cos पाई की वैल्यू माइनस वन होती है। तो थीटा जो होगा मेरा, वो बेटा कहां से कहां तक होगा, पाई बाई टू से पाई के बीच में, मतलब आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, पाई बाई टू टू पाई। यहां तक बेटा आपका क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या है कि पाई बाई टू से पाई का मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा रहा, आप यहां पर देखो, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो से, जीरो प्लस थीटा से पाई बाई टू माइनस थीटा तक, और पाई बाई टू प्लस थीटा से पाई माइनस थीटा तक। ये देखो, जीरो प्लस थीटा से पाई बाई टू माइनस थीटा तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमने 11th क्लास में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, और पाई बाई टू प्लस थीटा से पाई माइनस थीटा तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पर बेटा ये जो साइन थीटा है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड हटा लेंगे और यहां पर क्या लगा दोगे, ये मतलब कैसा निकलेगा, प्लस का निकलेगा इस मॉड से बाहर। तो आप यहां पर राइट करेंगे, देन यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है, पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे में साइन और उसका जो हमारा अपोजिट है कोसेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा। तो यहां पर ये मॉड हट जाएगा और ये पॉजिटिव, यहां पर साइन थीटा केवल आ जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये चेक करना है कि जो थीटा है वो थीटा साइन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है या नहीं। अभी मैंने बताया ना इसके पहले वाले पार्ट में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन साइन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कितना होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। साइन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कितना बताया था, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में मैंने बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बताया था। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, ये थीटा देख रहे होंगे, ये तो बेटा पाई बाई टू से पाई तक चला गया, मतलब इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर चला गया, पाई बाई टू से आगे चला गया। अब जब ये आगे चला गया तो इसका मतलब यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप साइन इनवर्स साइन, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे देखिए बेटा, तो आप यहां पर करेंगे, जब ये थीटा पाई बाई टू से पाई के बीच में है, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब आप क्या करेंगे बेटा कि इस थीटा को आप ऐसे चेंज करेंगे कि मैं इस थीटा के प्लेस पर कोई नया थीटा, मतलब एक ऐसी वैल्यू लगाऊं कि जब मैं इसको सॉल्व करूं उस वैल्यू को लगाकर तो साइन थीटा ही आए, कोई इफेक्ट ना पड़े, और वो जो एंगल है जो मैं इसको चेंज कर रहा हूं वो एंगल कहां पर लाई कर जाए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में लाई कर जाए। यहां पर हम ये काम करने वाले हैं, मतलब आपको अब इस थीटा को चेंज करना पड़ेगा। आपको एक बात तो पता है ना कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब वैल्यू रिपीट हो रही होती है, तो जो वैल्यू इस थीटा पे मिल रही है वही वैल्यू किसी और थीटा पे मिल रही होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और साइन पाई की भी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो दोनों थीटा अलग अलग है लेकिन वैल्यू हमें जीरो ही मिल रही है। तो वैसे ही यहां पर ये जो थीटा है, ये थीटा हम ऐसा चूज करेंगे अब कि वैल्यू तो यही रहे, मतलब वैल्यू चेंज ना हो, साइन थीटा एज इट इज बन जाए अगर सॉल्व करें तो, लेकिन थीटा जो हो, जो हम यहां एंगल लगाए थीटा के प्लेस पर, वो वैल्यू कहां लाई कर जाए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में लाई कर जाए। तो देखो कैसे मैं जो बोल रहा हूं वजह करके दिखाता हूं मैं आपको। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बेटा
पहले पाई माइनस कर लिया, पूरे में से कितना माइनस कर लिया, पाई, थीटा माइनस पाई, पाई बाई टू माइनस पाई और पाई माइनस पाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू आ गया, ये थीटा माइनस पाई आ गया और ये जीरो आ गया। अब आपके समझ में एक एक प्रॉब्लम होगी कि ये सर हमने पाई क्यों माइनस किया, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, ये क्यों नहीं माइनस किए। बेटा आपने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा कि रेशियोज पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा और टू पाई प्लस थीटा या टू पाई माइनस थीटा पर चेंज नहीं होते। मतलब साइन है तो वो साइन ही बना रहेगा, कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा, इनका रेशियो चेंज नहीं होते। तो इसलिए कभी भी प्लस या माइनस जब हम करते हैं तो पाई टू पाई इन्हीं को प्लस माइनस करते हैं, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू इनको प्लस माइनस नहीं करते। इसका रीजन यही होता है कि रेशियो हमारा चेंज तो भी नहीं होगा पाई बाई टू, मतलब पाई पर। अब बेटा मैंने यहां पर ये कर लिया, अब क्या करेंगे कि ये मैं थीटा के प्लेस पर ये लगा के देखूंगा। मान लिया कि ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो थीटा बन के आया, ये न्यू थीटा जो बन के आया, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में तो है, मतलब माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में तो है, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में तो लाई कर रहा है। बट बेटा अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां पर लगा के भी देखेंगे कि इसको जब मैं लगा रहा हूं यहां पर, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं थीटा के प्लेस पर, तो ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। आप लगा के देखो, आपने बेटा यहां पर लिखा थीटा माइनस पाई। अब यहां से देखो बेटा माइनस कॉमा लेना पड़ेगा, तो जब माइनस कॉमा ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस पाई माइनस थीटा। और आपके पास जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पर माइनस आगे आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। अब आगे देखेंगे बेटा ये 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये माइनस आगे एज इट इज लगा रहेगा और ये कितना बन के आ गया, माइनस का साइन थीटा। तो जब मैं इस थीटा के प्लेस पर ये थीटा माइनस पाई लगाऊंगा तो बेटा ये माइनस का साइन थीटा बन के आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई, ये केवल साइन थीटा है और ये क्या बन के आ गया, माइनस का साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि आप इस थीटा के प्लेस पर इसको नहीं लगा सकते, इसमें और कुछ आपको चेंज करना है। तो आपके आपने क्या किया बेटा, यहां पर पहले आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। आप जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी बदल जाएगी। देखो बेटा यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा माइनस का पाई प्लस का, इनक्वालिटी चेंज हो गई। अब ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू, और अब भी ये जो वैल्यू है ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर आ रही है। जीरो से पाई बाई टू भी हमारा कहां आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, फिर से लगा के देखो इसको, देखो बेटा थीटा के प्लेस पर कितना लगाओगे आप, पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा आपने लगाया तो ये तो डायरेक्टली कितना आ गया, साइन थीटा ही आ गया, मतलब पाई माइनस थीटा लगाने से ये साइन थीटा ही आ गया जो हमें चाहिए, साइन थीटा ही आना चाहिए। अगर मैं एंगल के प्लेस पर कोई वैल्यू लगा दूं चेंज करके तो जब मैं उसे सॉल्व करूं तो दोबारा से मुझे वही मिलना चाहिए जो यहां पर लिखा हुआ है और वो मुझे मिल भी रहा है। और एंगल जो था मेरा ये बेटा हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी लाई कर रहा है जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक है, तो जीरो टू पाई बाई टू हमारा उसी में लाई कर जाएगा। इसका मतलब आपको इस थीटा के प्लेस पर क्या लगाना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, तब इसका बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया बेटा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते। अब बच्चों देखो यहां पर हमने u इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, और x के प्लेस पर हमने लगाया क्या था, मैंने रफ कर दिया, x इज इक्वल टू हमने लगाया था cos थीटा लगाया था, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, cos इनवर्स x। थीटा के प्लेस पर हम थीटा की वैल्यू लगा देंगे तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो du dx, पाई का डेरिवेटिव जीरो और ये माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैसा हो गया बेटा प्लस, तो du dx मेरे पास आ गया वन अपॉन रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट, मान लो इसे। अब हमें निकालना क्या है, इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव तो ये बन के आ गया यू इक्वल टू, आपने इसको माना था, और हम इस सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट तो हमारा हो चुका है, तो मैं यहां से हटा देता हूं। तो डीयू डीएक्स तो ये बन के आ गया, अब आप निकालिए डीवी डीएक्स कितना आएगा। तो बेटा v इज इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स x, तो डीवी डीएक्स ये बन के आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास बेटा क्या है, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप निकालिए बेटा क्या, डीयू डीवी। आपसे ये पूछा गया है कि इसके इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और इसको आपने मान रखा था u और इसको क्या मान रखा है बेटा v। तो आपको क्या निकालना है, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब du दूसरे के रेस्पेक्ट में dv, du dv ये फाइंड आउट करना है, du dv। तो du dv बेटा देखिए इसको कैसे निकालोगे, du dx अपॉन dv dx, dv dx। अब देखो बच्चों du dx की जो वैल्यू है, du dx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 1। तो du dv की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 1। क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उनको अपलोड कराएंगे, ठीक है।